हाय, ये सृजन इंडिया नेट इंस्टाग्राम हैंडल है। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो क्विकली यहाँ पे शेयर कर सकूँ। हैव अ लुक, सृजन इंडिया नेट, ये इंस्टाग्राम में आई वुड ट्राई टू शेयर इट। और इसमें क्वालिटी भी ओके है, क्वालिटी ज़्यादा यहाँ पे ख़राब नहीं हो रहा है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। ओके, मीन वाइल वी हैव मेड चेंजेस टू दिस वेबसाइट एज वेल। वेबसाइट में अगर आप होम पेज पे जाओगे तो नाउ एवरीथिंग इज़ अरेंज्ड सिस्टमेटिकली। इंडिया ईयरबुक और सीसीईआरटी हम बहुत जल्दी रिज्यूम करेंगे। क्लास 11 अभी ऑन गोइंग है। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी वी हैव कवर्ड। मीन वाइल अगर ये जो न्यूज़पेपर के वीडियोज़ हैं, न्यूज़पेपर वीडियोज़ में भी ये जून एंड मार्च अप्रैल मंथ वाइज आई वॉल प्लेस्ड इट ओवर हेयर। एंड इसके जो नोट्स हैं, इफ़ यू टैप ऑन दिस गेट नोट्स, तो ये टेलीग्राम से यू कैन गेट दीज नोट्स एज वेल। और ये एक ब्लॉग सेक्शन है। ब्लॉग सेक्शन में इफ़ यू आर शेयरिंग योर आंसर इन यूट्यूब कमेंट सेक्शन, अगर आपको अपना हैंड रिटन नोट्स अपलोड करना है तो यू कैन यूज़ दिस ब्लॉग सेक्शन एज वेल। सी, इस तरीके से आप अपने हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, हैंड रिटन आंसर, अगर वो कन्वीनियंट है आपको तो। ओके, एंड ये सारे सोशल मीडिया हैंडल हैं। ट्विटर भी इज़ वेरी यूजफुल, इसमें कुछ बहुत अच्छे गवर्नमेंट हैंडल्स हैं। आई वुड ट्राई टू शेयर देयर इंफॉर्मेशन ओवर हेयर, हैव अ लुक। देन ये कल के आंसर्स हैं। कल हमने मेडिवल हिस्ट्री क्विज देखा था। मेडिवल हिस्ट्री क्विज में फर्स्ट था दिस ऑथर किताब उल हिंद। ऑथर किताब उल हिंद, द राइट आंसर इज अल बरूनी डी। सेकेंड इज सुल्तान दिल्ली करेंसी एंड कैपिटल, द आंसर इज इल्तुतमिश, आंसर इज डी। देन थर्ड इज बाबर वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, दैट्स ट्रू। देन बाबर वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ कैनन्स इन इंडिया। यहाँ थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन ऐसा ही यूपीएससी में आया था गन पाउडर का, उसमें यूपीएससी ने इसको करेक्ट माना था, इंट्रोड्यूस द गन पाउडर। सो यहाँ इसको हम करेक्ट मानते हैं। सो बोथ ए एंड आर ट्रू। देन दिस इज द फोर्थ वन, इसमें बुलंद दरवाजा भी करेक्ट है, फतेहपुर सीकरी 1602, एंड दिस वॉज टू कोमेमोरेट हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, तो द राइट आंसर इज ए। एंड यहाँ पे दिस इज नॉट फिरोज तुगलक, दिस इज घियासुद्दीन तुगलक। सो दिस आर द आंसर ऑफ यस्टरडेज क्विज। नाउ लेट अस बिगिन टूडेज न्यूज पेपर डिस्कशन। 21 जून 2020, ये आज की वोकेबुलरी वर्ड्स हैं। आज हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कोविड-19 अपडेट्स, बिकॉज आज संडे है तो आज न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स नहीं आते हैं। आज के पेपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एफएक्यू और प्रोफाइल सेक्शन आता है। हम कोविड-19 की अपडेट्स देखेंगे, सोलर एक्लिप्स, इस सोलर एक्लिप्स का ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे मैप्स एंड ऑल से। देन इंटरनेशनल योगा डे के बारे में जानेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट दिस ग्रिम पिक्चर ऑफ लेबरर्स आफ्टर लॉकडाउन, गरीब कल्याण रोजगार योजना। देन फोर्थ इज अबाउट IIT पलक्कड़ डेवलप अल्ट्रासाउंड फॉर कोविड-19 स्क्रीनिंग। एंड फिफ्थ है वर्ल्ड न्यूज़ में विल टॉक अबाउट ब्राज़ील, USA। एंड देन बिजनेस सेक्शन में वी विल टॉक अबाउट अपैरल एक्सपोर्ट, स्लाइड 73% इन अप्रैल। देन ये कैबोटेज लॉ समझेंगे। देन कंज्यूमर डिमांड्स नीड अ फाइनेंसिंग फिक्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वी विल टॉक अबाउट डायनासोर, वाटर वर्ल्ड और वाइल्ड लाइफ एनिमल इन अर्बन क्लस्टर, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन FAQ में गूगल क्रोम और ये जो गलवान वैली है, इस गलवान वैली का ज्योग्राफी हम यहाँ पे समझेंगे। देन राज्यसभा में पोल्स कैसे होते हैं, इसमें कैसे इलेक्शंस होते हैं, अभी रिसेंटली पोल्स कंडक्ट हुए थे, विल गेट टू नो। और फिर आज ये है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का क्विज। सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड ऑल दीज टॉपिक्स इन नेक्स्ट 35 to 40 मिनट्स। बिफोर दैट ये आज की वोकेबुलरी है। फर्स्ट इज दिस मिस्चीवियस, इसका मतलब होता है मैलिशियस है, बहुत स्पाइटफुल है, यहाँ दैट इज मैलिशियस एक्टिविटी है, दैट इज दिस वर्ड। देन लेम अटेम्प्ट, लेम अटेम्प्ट का मतलब है बहुत वीक और फिल्मजी आर्ग्यूमेंट है, फीबल आर्ग्यूमेंट है, जो वैलिड नहीं है, वीक आर्ग्यूमेंट है, दैट इज लेम अटेम्प्ट, अटेम्प्ट इज वीक। देन ग्रिम, ग्रिम का मतलब होता है ब्लीक है, फॉरबिडिंग है, डिसमल है, ग्रिम पिक्चर। डिफंक्ट का मीनिंग होता है कि वो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट इज नॉट इन सर्विस, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग। देन इंट्रूजन, इंट्रूजन का मतलब होता है एनक्रोच करना, जैसे गलवान वैली में चाइनीज इंट्रूजन, इन्वेजन। देन टॉपल, टॉपल का मतलब होता है गवर्नमेंट को ओवरटर्न करना, टॉपल करना। ट्रेसपास, ट्रेसपास मतलब जैसे यहाँ पे अगेन इन्वेड करना और इन्फ्रिंज करना, दैट इज कॉल्ड ट्रेसपास, ट्रेसपासर्स वुड बी शॉट
सर्वाइवर्स वुड बी शॉट अगेन, ऐसा अक्सर एयरफोर्स और यहाँ इनके एरिया में ऐसा लिखा रहता है, ट्रेस पास। देन अबेटमेंट, अबेटमेंट का मतलब होता है लेसन करना, सब्सिडी करना, सबसाइड करना, उसे उसकी डिग्री को कम करना। फोर्स मेजोर का मतलब है अनफोर्सिएबल सर्कमस्टेंसेज हो गए और आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, दैट क्लॉज को, तो ये टर्म हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। अनअर्थ का मतलब है टू फाइंड समथिंग और एक्सकेवेट करना, दैट इज कॉल्ड अनअर्थ करना। ये कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी वर्ड्स हैं जो आगे न्यूज़पेपर पढ़ने में हमें यूजफुल होंगे। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सो दिस इज 21 जून 2020। ये जो पहला न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट कोविड-19 अपडेट। कोविड-19 के यहाँ पे अपडेट देखते हैं हम। ग्लेनमार्क फार्माक्यूटिकल ने एक यहाँ पे ओरल एंटीवायरल ड्रग इंट्रोड्यूस किया है, अनाउंस किया है फॉर कोविड-19 पेशेंट्स के लिए इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 17, जिनके मॉडरेट सिम्टम्स हो, सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर हालत नहीं हो, उनके लिए ये मेडिसिन यूजफुल हो सकती है। इस ड्रग का नाम है दिस फेवी पेरावर टू बी सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम फेबी फ्लू के नाम से होगा, इज़ द फर्स्ट सच इन इंडिया फॉर कोविड-19, ऐसा कंपनी ने यहाँ पे अनाउंस किया है। 80% जो केसेस हैं इंडिया में वो इस एज ग्रुप में है, इस कैटेगरी में है, और उनके मॉडरेट सिम्टम्स भी हैं, तो उस केस में ये ड्रग काफ़ी यूजफुल हो सकती है। विद इन 10 डेज इसका अवेलेबिलिटी होगा। 34 टैबलेट्स का कॉस्ट अराउंड ₹3,500 है। ये वायरल ट्रैकर बता रहा है कि इंडिया में केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, 4 लाख मार्क क्रॉस हो गया है। मीनवाइल बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 हॉस्पिटल्स एंड ऑल लोग जाने से थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, और इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती है बेबीज़ एंड ऑल, इनका ड्रॉप हुआ है 18.6%। वायरस थ्रेट के कारण ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अवॉइड की जा रही है, दैट इज़ अगेन अ समथिंग सीरियस, वी नीड टू थिंक ऑन दिस। देन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का कल हमने देखा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली ने ऑर्डर किया था 5 डेज का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, उसको फिलहाल के लिए अभी रोल बैक कर लिया गया है। सो दिस इज कोविड-19 अपडेट। अब जो सेकेंड न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दिस सोलर एक्लिप्स। ये एनुअल सोलर एक्लिप्स आज प्रोग्रेस June 21 को था, इसके बारे में हम इसको थोड़ा समझते हैं इसको इस वीडियो से। सी ये जो है दैट इज ये होता है अर्थ है, ओके अर्थ में ये है अर्थ, अर्थ और ये जो थर्ड बॉडी है दैट इज मून, और जो थर्ड बॉडी है दैट इज सन। सन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है और मून अगर बीच में आ जाता है सन और अर्थ के बीच में, तो सी लुक एट दिस डॉट, मून ने क्या किया है सन को कवर कर लिया है, और दिस इज कॉल्ड एक्लिप्स। एक्लिप्स में ये अर्थ अपने रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है अराउंड दिस सन, और मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। अब मून अगर बीच में आ गया, सनलाइट को उसने ब्लॉक कर दिया, तो उससे क्या होगा, ये इस टाइप से एक्लिप्स फॉर्म होता है। एक्लिप्स फॉर्म होता है तो सी जैसे ये अर्थ है, अर्थ के बाद ये है मून, और मून ब्लॉक कर रहा है सनलाइट को, तो ये जो बीच वाला रीजन होता है दैट इज़ कॉल्ड उम्ब्रा, और ये जो दूसरा शेडो रीजन हो रहा है, बिगर शेडो रीजन हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पेनुम्ब्रा, तो उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा होता है। अब बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दूर है ना तो वो छोटी दिखने लग जाती है। सन बहुत बड़ा है साइज़ में, बट सन बिकॉज फार फार अवे है, तो दैट इज़ वाई सन छोटा दिख रहा है और मून उसको ईजिली ब्लॉक कर रहा है। अब मून देखिए सन को ऐसे ब्लॉक कर दिया मून ने, अभी हमें एक केवल रिंग दिख रही है चारों तरफ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे से एनुलर हो गया, ये टोटल एक्लिप्स हो गया यहाँ पे, ओके। अब टोटल एक्लिप्स और पार्शियल एक्लिप्स होता है, पार्शियल एक्लिप्स मतलब कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं हुआ है, हाफ ऑफ द सन इज ब्लॉक्ड, ये पार्शियल एक्लिप्स है। ये एनुलर एक्लिप्स होता है, एनुलर एक्लिप्स मतलब ये जो रिंग है ये रिंग दिख रही है सन की, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सन इज ब्लॉक्ड, तो ये वाला एक्लिप्स अभी हो रहा है, इसमें एक रिंग ऑफ फायर की तरह ये दिख रहा है, सी रिंग ऑफ फायर की तरह सन दिख रहा है यहाँ पे, ओके। देन ये हाइब्रिड एक्लिप्स हो सकता है, एंड इन दिस वे ये एक्लिप्स होता है, बट एक्लिप्स में भी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम डायरेक्ट आंखों से इसे देखते हैं तो इट कुड कॉज डैमेज टू अवर आईज, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड ये अर्थ है, ये अर्थ का ऑर्बिट है, मून बीच में आ गया है, ये सन है, तो ये जो शेडो रीजन हो रहा है दैट इज कॉल्ड उम्ब्रा, और ये जो बिगर हो रहा है दैट इज कॉल्ड पेनुम्ब्रा, ये पार्शियल एक्लिप्स और टोटल एक्लिप्स इस टाइप से बन रहा है। अब इस एक्लिप्स के बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं, जो 21 जून है 2020, इधर सोलर एक्लिप्स अभी है, मून पासिस बिटवीन अर्थ एंड द सन,
तो इस तरीके से शेडो हो रही है, ये एनुलर है, रिंग ऑफ फायर फॉर्मेशन हो रहा है, टोटल एनुलर हाइब्रिड एंड पार्शियल। ये एक्लिप्स का जो फिनोमिनन है इसका साइंटिफिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, ऑब्जर्वेशन सारे ऑब्जर्वेटरी एंड ऑल दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिनन। एट द सेम टाइम इसका कल्चरल फिनोमिनन, कल्चरल भी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। तो ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्लिप्स, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट। अब ये जो था अभी, ये था सोलर एक्लिप्स, एक्लिप्स मतलब ग्रहण होता है, तो सोलर एक्लिप्स मतलब यहाँ ग्रहण लग गया है, मून बीच में आ गया है। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता कि मून हाइड हो जाता तो वो हो जाता फिर लूनर एक्लिप्स हो जाता वो। ओके, अगर जैसे ये अर्थ हो जाती यहाँ पे, से अर्थ बीच में आ गई है मून और से सन के बीच में, तो यहाँ पे लूनर एक्लिप्स हो जाएगा यहाँ पे। तो सोलर एंड लूनर एक्लिप्स दोनों के ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट समझना है, इसका ज्योग्राफिकल कल्चरल सिग्निफिकेंस। ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट, दिस इज़ यूजफुल। अब ये तीसरा न्यूज़ आइटम है, दैट इज़ अबाउट इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे अभी 6th है, 2015 से ही ऐसा चल रहा है, अभी हम 6th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, संडे 21 जून 2020 को। योगा जो होता है ये ग्रुप ऑफ फिजिकल मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, डिसिप्लिन्स है, ये बहुत वाइड वैरायटी में ये सारे एक साथ क्लब होके कहलाते हैं योगा। अगर हम ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी की बात करें तो ये 6 स्कूल हैं वहाँ पे, योगा, वैशेषिका, वेदांता, मीमांसा, न्याय और संख्या, ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी कहते हैं। योगा जो है ये मेंशन है ऋग्वेद में भी और ये रेफरेंस है उपनिषद में भी। जो ये जो पॉस्चर बेस्ड है, जैसे ये पॉस्चर बेस्ड इन्होंने यहाँ पे बनाया है, ये पॉस्चर बेस्ड फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेस रिलीफ, इन सब में योगा का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ में इसका साइंटिफिक प्रूवन है कि योगा हेल्प्स। रिलैक्सेशन टेक्निक है, इसमें मेडिटेशन एंड देन स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन के लिए भी इंडिया में इसे काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिया जाता है। अब बात आती है ये 21 जून डेट को ही क्यों हम चूज़ करते हैं, तो इसका भी रीज़न है। जैसे अर्थ है हमारा, ये है अर्थ, है अर्थ इज़ दैट रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है, एक्सेस पे रोटेट भी है रिवॉल्व भी है। तो जो सन है वो एपरेंट मूवमेंट होता है, एक्चुअल नहीं होता है, एपरेंट मूवमेंट होता है नॉर्थ और साउथ में इक्वेटर के। ज्योग्राफी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से डिटेल में हमने दिस मैप के थ्रू इसको समझाया, हैव अ लुक। तो जो सन है वो जो अभी ऊपर की तरफ आता है, उत्तरायण की तरफ आता है, फिर वो दक्षिणायन की तरफ जाएगा। इक्वेटर में जब होता है सन, जब यहाँ पे सन है तो डे और नाइट सेम हो जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। ओके, ये ऑटम्नल इक्विनॉक्स आता है और फिर एक वर्नल इक्विनॉक्स भी आता है, फिर ये विंटर सोल्स्टिस आते हैं और ये समर सोल्स्टिस आते हैं। तो इनका भी ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। योगा जो है दैट इज एक्सहेल द पास्ट इनहेल द फ्यूचर लिव हेल्दी, ये इस बार का ऐसा यहाँ पे इन्होंने मैसेज दिया हुआ है। ओके, नाउ योगा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया इसको काफ़ी प्रमोट करता है। प्रिपेयर अ नोट ऑन एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन एंड द ज्योग्राफी बिहाइंड इट, ये जो हमने देखा सन का एपरेंट मूवमेंट हो रहा है, ट्राई टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज जो सीजन्स होते हैं वो इसी एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन से होते हैं। सन अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है तो ऊपर गर्मी हो जाती है, सदर्न में जाता है तो यहाँ पे गर्मी हो जाती है। जैसे अभी इंडिया में समर्स चल रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में अभी विंटर सीजन चल रहा है। तो लर्न दिस एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन एंड द ज्योग्राफी बिहाइंड इट इन से 100 वर्ड्स। देन दिस इज द थर्ड वन, यहाँ पे बात है लेबरर्स आफ्टर लॉकडाउन, ग्रिम पिक्चर है। ये हमने कवर किया था गरीब कल्याण योजना, 20 जून को इसको हमने पढ़ा था। गवर्नमेंट ये स्कीम इसलिए लेके आ रही है कि जो माइग्रेंट अपने वापस विलेजेस होम चले गए हैं उनको रोजगार कैसे प्रोवाइड करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। स्किल सेट्स का मैपिंग एक्सरसाइज था। तो ये जो अभियान है बेसिकली वो ये है कि 125 डे का कैंपेन होगा, इतने डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स को कवर करेंगे, इतने करोड़ का वर्क जनरेट होगा ताकि इन माइग्रेंट वर्कर को एम्प्लॉयमेंट मिले। मिशन मोड का प्रोजेक्ट होगा, इसमें बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये 12 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। एम्प्लॉयमेंट होगा वो भी अलग अलग तरीका का हो सकता है, रूरल हाउसिंग, देन नरेगा, सड़क योजना, हाईवे, कम्युनिटी सैनिटेशन, ग्राम पंचायत, ये पूरा द होल आइडिया इज़ जनरेट एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज जॉब लॉस हो रहा है, सेविंग्स जो हैं वो ओवर हो रही है, हेल्थ का अभी डर है और इविक्शन का भी डर है कि अगर ये टाइमली अपना से रेंट नहीं दे पाएंगे एंड ऑल, तो इनको जगह घर भी खाली करने का प्रॉब्लम आ रहा है। फूड का भी इशू है बिकॉज सेविंग्स भी इनकी ओवर हो रही है। तो द होल आइडिया इज़ टू प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट।
जनरेट करें एम्प्लॉयमेंट, एसेंशियल सप्लाईज दें, लेबर शॉर्टेज भी अब मीनवाइल यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे लिखा है पंजाब एंड ऑल में ये जो इंसेंटिव्स दे रहे हैं ये लेबर्स को कि वापस काम पे आ जाओ, और ये अभी वर्क नहीं कर रहा है। प्रोवाइड एसेंशियल सप्लाईज के साथ साथ लेबर शॉर्टेज भी हो रहा है, और ये लेबर शॉर्टेज अगर कंटिन्यू होता है, बिकॉज फैक्ट्रीज चलाने के लिए यू नीड वर्कर, और ये वर्कर अब यहाँ पे है नहीं, लेबर शॉर्टेज है, तो दिस इज इम्पैक्टिंग इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ कंट्री। देन ये पेज नंबर 6 है, मॉनसून धीरे धीरे ग्रेजुअली मूव कर रहा है। यहाँ IIT पलक्कड़ ने एक और अच्छा इनोवेशन किया है। यहाँ पे इनका इनोवेशन ये है कि इन्होंने ऑटोमेटेड लंग अल्ट्रासाउंड बनाया है फॉर COVID-19 स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए। ये ऐसे अल्ट्रासाउंड होगा, और अल्ट्रासाउंड से, बिकॉज COVID-19 क्या है, ये कोरोना वायरस फैमिली है, मतलब रेस्पिरेटरी एंड ऑल इन सब चीज़ों को ये डैमेज करते हैं, तो लंग का यहाँ पे, लंग्स जो होते हैं फेफड़े होते हैं, लंग्स का स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग करके क्लाउड बेस्ड अल्ट्रासाउंड इमेज एनालिसिस होगा, तो एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा रिपोर्टिंग और एक्शन COVID-19 के केसेस के लिए। ये IIT पलक्कड़ ने किया है, ऑटोमेटेड लंग अल्ट्रासाउंड है COVID-19 का स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग के लिए, क्लाउड बेस्ड इमेज एनालिसिस एंड स्कोरिंग सिस्टम ये यहाँ पे बनाएंगे। मेथडोलॉजी है ये यूज़फुल होगी टाइम क्रिटिकल COVID-19 केसेस के लिए। टाइम जल्दी होगा, टाइम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट कुड आइडेंटिफाई अदर लंग इन्फेक्शंस एज वेल, सो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन। ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रोग्रेस किया है इन्होंने। देन दिस इज पेज नंबर 7, या इंडियन एयरफोर्स, ये फ्लाइट कैडेट्स हैं फ्रॉम ऑल ब्रांचेज ऑफ इंडियन एयरफोर्स अकेडमी। ये अकेडमी है हैदराबाद डुंडीगल में, अभी इनका पासिंग आउट परेड है ये। देन दिस इज पेज नंबर 8, यहाँ पे राजस्थान स्मार्ट क्लासरूम्स बनाने का यहाँ पे बात कर रहा है। देन वंदे भारत मिशन से और काफ़ी ज़्यादा हम बाहर से इंडियंस को वापस ला रहे हैं कंट्री में। दिस इज पेज नंबर 9, वर्ल्ड न्यूज़ में द फर्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट ब्राज़ील। ब्राज़ील में वायरस काउंट क्रॉस कर गया है 1 मिलियन से ज़्यादा, बहुत तेज़ी से यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ कैजुअल्टी भी बहुत हो रही है, एक न्यू डेंजरस फेज आ गया है। ब्राज़ील का वी हैव कवर्ड सिंस वेरी बिगनिंग, जायर बोल्सोनारो एंड ऑल, दे वर वेरी, काफ़ी सीरियसली लिया नहीं इन्होंने COVID-19 को, नाउ सी द सिचुएशन। USA जो है मीनवाइल वो बोल रहा है व्हाइट हाउस लाइकली टू इशू इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस। हिस्ट्री में हमने पढ़ा जो USA के नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये दोनों क्या है, नए कॉन्टिनेंट्स हैं, नया लैंड डिस्कवर हुआ था और यहाँ पे माइग्रेशन हुआ यूरोप से, डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड से, तो इनको लैंड ऑफ माइग्रेंट्स भी बोलते हैं। बट अभी कुछ टाइम से यहाँ पे क्या हो रहा है, नेशनलिज्म और रिस्ट्रिक्टिव टेंडेंसी ज़्यादा आ रही है, माइग्रेशन को स्टॉप करने की कोशिश हो रही है, तो अभी एक नया लॉ लाने का बात है इशू माइग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस का। ये पोटेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी वोकल है, ही कीप ऑन सेइंग कि बिकॉज एस्पेशली इंडियंस एंड जो दूसरे होते हैं वो यहाँ के लोकल्स का जॉब ले लेते हैं, बिकॉज ये माइग्रेंट्स आ जाते हैं या फिर वर्क बाहर की कंपनीज में चला जाता है, तो ही इज़ ब्रिंगिंग दिस लॉ टू लिमिटेड पीरियड के लिए सभी टाइप के जो वीज़ा कैटेगरी है, H1B, स्किल वर्कर प्रोग्राम, इन सबको हॉल्ट करने का यहाँ पर ऐसा प्लान है। अब इससे एक चीज़ ये समझने की ज़रूरत है, माइग्रेंट जो होते हैं, माइग्रेंट आर दोज पीपल जो पूरा लॉ एंड प्रोसेस एंड दिस एवरीबडी एवरी रेगुलर प्रोटोकॉल्स फॉलो करके, रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो करके किसी नई लैंड पे गए हैं फॉर वर्क पर्पस एंड ऑल, तो दे आर नॉट इलीगल माइग्रेंट, दे आर लीगल माइग्रेंट, और दे कॉन्ट्रीब्यूट अलॉट इन द ग्रोथ ऑफ दैट कंट्री। फॉर एग्जाम्पल USA में देखो आप, इतने सारे इंडियंस यहाँ पे गए हैं एंड दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अलॉट, इतने बड़ी टेक्निकल कंपनीज, IT मेजर्स, एवरीथिंग, इंडियंस आर देयर, यू कैन फाइंड देम, सो दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अलॉट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। तो माइग्रेशन एज सच इज नॉट अ बैड कॉन्सेप्ट पर से, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, और यही चीज़ यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी कहा है, पॉलिसीज दैट इम्पोज वाइड रेंजिंग बैन्स अंडरकट अवर इकोनॉमीज एबिलिटी टू ग्रो। इससे क्या होता है, जो आप USA इतना अच्छा क्यों बना, बिकॉज सारे ब्राइट माइंड यहाँ पे आने लग गए, और जहाँ अच्छे लोग पहुँच जाते हैं वो अपने आप वो चीज़ ग्रो हो जाती है। अगर माइग्रेंट पे आप स्टॉप लगाएंगे तो ये जो टैलेंटेड एंड ब्राइट माइंड्स हैं उनको भी यहाँ पे आने से स्टॉप करेगा, सो दैट वुड अगेन वुड नॉट बी गुड फॉर दिस इकोनॉमी, ऐसा यहाँ पे इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है। ये इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के। देन ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट ये व्हाइट हाउस ब्राज़ील, और ये है देन श्रीलंका, एंड देन दिस इज़ चाइना।
चाइना अभी एक नया सेटअप कर रहा है सिक्योरिटी एजेंसी इन हांगकांग। लास्ट मंथ में और जून के भी फर्स्ट वीक में हमने चाइना बहुत अच्छे से पढ़ा है, डेंग जियाओपिंग, शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन, देन कैसे चाइना का नेचर चेंज हो रहा है। जो पहले इनकी फिलॉसफी थी वो अब बाइट नहीं कर रहे हैं, अग्रेसिव एंड परजुएशन ज़्यादा हो रहा है। यहाँ साउथ चाइना सी में भी सेम चीज़ थी और यहाँ पे आप देखो हांगकांग में भी सेम चीज़ है। हांगकांग भी, वी टॉक्ड अबाउट हांगकांग, यहाँ पे वन कंट्री टू सिस्टम चलता है, यहाँ पे डेमोक्रेसी होती है, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। बट चाइना यहाँ की डेमोक्रेसी को हमेशा कम करने की कोशिश करता है, तो उसके कारण यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं। अभी रिसेंटली वो एक नया सिक्योरिटी लॉ पास हुआ था जिससे बीजिंग का टाइटन हो जाएगा ग्रिप ऑन हांगकांग में, चाइना ऑपरेट कर सकता है नेशनल सिक्योरिटी इन द सिटी। तो इस बात पे चाइना का हांगकांग में भी अपोज हुआ, यूएस ने भी कहा बिकॉज हांगकांग की ऑटोनॉमी जा रही है, तो उसने जो स्पेशल इसको कंसेशंस दिए थे ट्रेड के लिए वो भी स्टॉप कर दिए। अब चाइना यहाँ पे आगे बढ़ रहा है और उसने ये सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ पे सेटअप करने का प्लान बनाया है। ये जो सिक्योरिटी एजेंसी होगी ये एम्ड होगी एट क्रैकिंग डाउन ऑन डिसेंट। डिसेंट मतलब अगर चाइनीज गवर्नमेंट को वो फॉलो नहीं कर रहा है, डिसेंट है, तो ये उस पर क्रैक डाउन कर देंगे। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी होगी, कैन ओवर राइड एनी एग्जिस्टिंग हांगकॉन्ग लॉ, यहाँ पे इसकी मैंडेट ऐसा दिया है। सो अगेन दिस इज समथिंग वी नीड टू सी। जो चाइना और इंडिया का जो अभी टेंशन है इसको हमें आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, इसको हम पूरे ग्लोबल वर्ल्ड इवेंट से देखना चाहिए। इंटरलिंकिंग बहुत अच्छी होगी, एक्सपर्ट्स ऐसा बता रहे हैं। चाइना के मूव्स से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, चाइना के रूट साउथ चाइना सी में, चाइना का जापान के साथ इशू, अभी हांगकॉन्ग के साथ इशू, यूएसए के साथ इशू, चाइना का समझना बहुत ज़रूरी है इसके गेम प्लान को। देन दिस इज़ द नेक्स्ट वन, बिजनेस न्यूज़ है। बिजनेस न्यूज़ में जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दिस, अपैरल एक्सपोर्ट स्लाइड 73% इन अप्रैल मई। ये जो ऐसे कपड़े गारमेंट्स का जो होता है टेक्सटाइल एंड ऑल, ये एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग भी है और बहुत ज़्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट भी देता है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होता है, यहाँ पे एक्सपोर्ट स्लाइड हो रहा है विच इज़ अ कॉज ऑफ वरी। मेजर जो बायर्स थे यूएस यूरोपियन यूनियन में, ये कैंसिल कर रहे हैं ऑर्डर। अक्सर हम देखते हैं हम फॉरेन के क्लोथ्स एंड ऑल देख रहे हैं, अगर आप उसमें देखो ना टैग, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो या तो इंडिया में बने हैं या बांग्लादेश में बने हैं या वियतनाम में बने हैं। तो मेजर बायर्स इन यूएस एंड ईयू कैंसलिंग ऑर्डर्स और इन्वोकिंग फोर्स मेजर। इसका मतलब है कि जो पहले अग्रीमेंट हुआ था चेंजिंग कंडीशंस हैं, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्लाइज नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ कोविड-19। इनका भी फाइनेंशियल क्राइसिस है तो दे आर कैंसलिंग देयर ऑर्डर। इंडस्ट्री अब डिमांड कर रही है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट करे, अदरवाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ जाएगा। मीनवाइल बांग्लादेश एंड वियतनाम से हमें काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन मिलता है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे, डिमांड कर रहे हैं कि वाई कांट वी इंक्रीज दिस PPE एंड MMF मास्क एंड ऑल, इसका प्रोडक्शन करते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो इनको एक लीज मिल जाएगा, एक लाइफलाइन मिल जाएगा दिस अपैरल एक्सपोर्ट में, और ये एक थोड़ा जंप हो जाएगा यहाँ पे। तो दैट इज़ अगेन अ इनोवेटिव थिंग, वी कुड डू दिस। देन यहाँ पे नेक्स्ट है, गवर्नमेंट इनवाइट्स ग्लोबल वेसल ऑनर टू फ्लैग शिप्स इन इंडिया। इसका मतलब क्या होता है फ्लैग शिप्स इन इंडिया का? इसका मतलब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे जो फॉरेन की शिप होती है, फॉरेन शिप अगर डिसाइड कर रही है टू फ्लाई द इंडियन एग फ्लैग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इन शिपिंग, शिपिंग मतलब जैसे मेजर ट्रांसपोर्टेशन होता है ज्योग्राफी NCERT, ट्रांसपोर्टेशन या तो रोड के थ्रू होता है या तो रेलवेज के थ्रू होता है, बट वर्ल्ड का जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है देन शिप्स, ओशियंस, सीज के थ्रू होता है। और यहाँ पे ये सारे शिपिंग कंपनीज एंड ऑल चलती है, इनका काफ़ी सिस्टमेटिक यहाँ पे ऑपरेशन है। तो अगर शिपिंग में एक शिप फ्लाई करती है फ्लैग ऑफ द कंट्री को वेर इट इज़ रजिस्टर्ड एंड सब्जेक्टेड टू द टैक्स ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दैट नेशन, इंडिया इन इंडिया यहाँ पे बात है, तो केवल उसको वहाँ की चीज़ों में कुछ कंसेशंस भी मिलेंगे और टैक्सेशन एंड ऑल का चीज़ें देखना पड़ेगा। तो ओनली इंडियन रजिस्टर्ड शिप्स आर अलाउड टू कैरी कार्गो ऑन लोकल रूट्स अकॉर्डिंग टू अ सो कॉल्ड दिस कैबोटेज लॉ। तो गवर्नमेंट यहाँ पे इनको इंसेंटिवाइज कर रही है कि आप अपने ऑनर्स फ्लैगशिप्स इन इंडिया करो, इससे मेक इन इंडिया में ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा। जैसे अभी 450 है, ये बढ़ के अराउंड 900 शिप्स हो जाएगा ओवर 3 ईयर, ये जो टारगेट है हमारा।
दिस टारगेट, दिस वुड गो फ्रॉम 450 टू एटलीस्ट 900। ये इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं, इतना इनका इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा, अलाइड एक्टिविटीज़ में भी ग्रोथ होगा और ओवरऑल बेनिफिट होगा हमें। बट यहाँ आई वॉज रीडिंग वन मोर आर्टिकल, लाइव मिंट में काफ़ी अच्छा दिया था, वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम केवल एक फ्लैग लगा देंगे उससे हमारा पर्पज़ सॉल्व नहीं होगा। इम्पोर्टिंग एंड देन फ्लैग इन इंडिया अगर कंडीशन दे रहे हैं इन वेसल्स को, शिपिंग वाले वेसल्स को, ये हमारा पर्पज़ सॉल्व नहीं करेगा। राइट अप्रोच होनी चाहिए कि हम इम्पोर्ट नहीं, उनको बिल्ड भी यहीं पर करें एंड देन एवरीथिंग उससे अलाइड रिलेटेड इको सिस्टम डेवलप करें। अब इसमें ट्राई टू राइट अ नोट इन से लेस देन 50 वर्ड्स, वॉट इज दिस कैबोटेज लॉ, इसके बारे में समझना है, वॉट इज दिस कैबोटेज लॉ। अब ये जो बिजनेस सेक्शन है, बिजनेस सेक्शन में यहाँ इंटरव्यू में इन्होंने कहा है, कंज्यूमर डिमांड नीड्स अ फाइनेंसिंग फिक्स, इंडिया सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव्स लाया, इस इनिशिएटिव के थ्रू हमने बॉटल नेक्स जो होते हैं सप्लाई साइड के उनको एड्रेस कर दिया। बट प्रॉब्लम ये है, वेयर इज़ द डिमांड। इकोनॉमी में दो चीज़ चलती है, एक होता है डिमांड और दूसरा होता है सप्लाई। कोविड 19 के कारण फैक्ट्रीज लॉकडाउन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया, माइग्रेंट वर्कर्स नहीं है, लेबर शॉर्टेज है, तो सप्लाई साइड बॉटल नेक आ गया। गवर्नमेंट इसके लिए सेल्फ रिलायंट इंडिया लाई, इनिशिएटिव्स लिए, रिफॉर्म्स लिए, पैकेजेस दिए, तो प्रोडक्शन हम फिर से स्ट्रीमलाइन कर देंगे। बट वेयर इज़ द डिमांड, डिमांड कहाँ है, खरीदने वाले लोग कहाँ हैं? आपने सामान तो बना दिया बट डिमांड कहाँ है? तो डिमांड के लिए फिर हमें मार्केट में लिक्विडिटी लानी पड़ेगी। दैट इज़ व्हाट इट इज़, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। पिक अप कंज्यूमर डिमांड इज़ द नीड ऑफ द आवर, जनरेट करो डिमांड। जब तक डिमांड नहीं आएगी इकोनॉमिक रिवाइवल ईजी नहीं होगा। अब ये जो नेक्स्ट है, दैट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन, इसमें पहला है ये डायनासोर्स के एग्स है, यहाँ पे अनअर्थ हुए हैं, फॉसिल हैं, सॉफ्ट शेल लेग्स एग्स हैं डायनासोर के, अर्जेंटीना एंड मंगोलिया में। लाइफ जो अर्थ है ये काफ़ी पुरानी है, ह्यूमन जो हैं अभी प्रेजेंट फॉर्म में जो हम होमो सेपियंस हैं हम भी काफ़ी नए हैं। दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अर्थ में देर वर पीपल बिफोर अस, देर विल बी पीपल आफ्टर अस, नॉट पीपल बट स्पीशीज ही अलग थी। फॉर एग्जाम्पल देर वर डायनासोर्स एट वन मोमेंट ऑफ टाइम, बट देर आर नो डायनासोर्स एज वेल नाउ। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टू लिव दिस विद दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ। देन दिस इज़ वाटर वर्ड्स हैं, ये सैटर्न का मून है, यहाँ पे यूरोपा, यहाँ पे भी हम ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे वाटर है, अगर कहीं पे वाटर होगा तो वहाँ पे लाइफ की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, सो दिस इज़ वाटर वर्ड्स, दिस इज़ डायनासोर एग्स। नाउ ये कोविड 19 में, ये कोविड 19 रिलेटेड न्यूज़ कवरेज है, यहाँ पे अगेन सेम चीज़ है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोविड 19 जो है ये डिक्रीज होने लग जाती है इन 2-3 मंथ्स। कोविड 19 भी वी हैव कवर्ड इन ग्रेट डिटेल कि कोविड 19 रिलेटेड क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं, आरटीपीसीआर, एंटीजन, एंटीबॉडीज एट्सेट्रा इन प्रीवियस वीडियोस। लास्ट संडे ही हमने देखा था वैक्सीनेशन के टाइप होते हैं, एक्टिव वैक्सीनेशन एंड पैसिव वैक्सीनेशन, एंटीबॉडीज एंड एंटीजन्स। ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये बॉडी में जनरेट होती है सो दैट हम इस वायरस का जो अटैक है उससे खुद को डिफेंड कर सकें। तो या तो हमें टेस्ट करना है वायरस का तो हम एंटीबॉडी को देख लेते हैं, अगर एंटीबॉडी लेवल ज़्यादा है मतलब बॉडी में देर कुड बी सम ट्रेसेज इन द पास्ट और ऐसा कुछ हो सकता है कि वायरस का वहाँ पे अटैक हुआ है, तो इनडायरेक्टली हम डेसिफर करने की कोशिश करते हैं। तो ये एंटीबॉडी टेस्ट एंड ऑल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गए, जैसे दिस IgG ग्लोब्यूलिन टेस्ट है, सेरोलॉजिकल सर्वे हमने देखा था कपल ऑफ डेज बैक। अब प्रॉब्लम ये है कि ये इतने करेक्ट नहीं है, इनमें फॉल्स फ्लैग भी आते हैं, फॉल्स ट्रूथ भी आता है और कई बार मिस आउट भी होता है। आइडेंटिफाइंग ड्रग्स एंड शॉर्ट लिस्टिंग दूसरा यहाँ पे अभी बात चल रहा है, मैनी ड्रग्स आ रही हैं और फिर उनके टेस्ट हो रहे हैं, कुछ को सक्सेस है, मोस्टली सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं। देन कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट इन ग्रेट डिटेल, कोविड 19 रिलेटेड वी हैव कवर्ड दिस वोकेबुलरी, उसमें 20-25 वर्ड्स थे एंड दे वर एक्सेलेंट टू मेक अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एंटायर कोविड 19 थिंग, हैव अ लुक। अब कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ये था कि जो पर्सन ट्रीट हो गया है कोविड 19 से, रिकवर हो गया है, उसकी बॉडी में एंटीबॉडी आ गए, उस एंटीबॉडी को एक हेल्दी पर्सन में दे दो तो वो एक प्रोफाइलेक्टिक की तरह काम करेगा कोविड 19 के अटैक को स्टॉप करने के लिए, और अगर पेशेंट को दोगे तो अगेन उसको भी रिकवरी ईजी हो जाएगी। तो ये कोविड 19 था। देन ये बहुत अच्छा आर्टिकल है और काफ़ी कॉन्टेक्स्ट में है, ये अभी प्रेजेंट जो चीज़ें चल रही है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इन अर्बन क्लस्टर।
ह्यूमंस को हमने लॉक कर दिया, तो हमने देखा नेचर अपना पोजीशन फिर से रिक्लेम कर रही है। अभी डायनासोर्स का देखा ना, तो नेचर इज सुप्रीम। हमारा जो प्रेजेंस है ये इतना परमानेंट नहीं है, वी आर टेम्पररी ओवर हियर। लॉकडाउन टेल है, गंगा यहाँ पे फिर से दिख रही है, गैंग्स डॉल्फिन फिर से साइट हो रही है, नेचर इज रिक्लेमिंग इट्स स्पेस। देन अर्थ का जो टोटल लैंड एरिया है ये अराउंड 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 30% डेजर्ट है, 24% माउंटेन है, 45-50% यहाँ पे कम्युनिटी है। और ये जो एरिया है, ये 45-50, ये शेयर्ड स्पेस है ह्यूमंस के लिए भी और वाइल्ड एनिमल्स के लिए भी। ह्यूमंस क्या करते हैं, ये ट्रांसग्रेस करते हैं, लैंडस्केप चेंज कर देते हैं, तो इससे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है, इनको काफ़ी स्ट्रेस होता है। ह्यूमन कन्फाइनमेंट हुआ कोविड-19 से, तो धीरे धीरे नेचर अभी हील हो रही है। बट इज दिस द राइट वे टू अचीव सस्टेनेबल इक्विलिब्रियम? नो, दिस इज नॉट द राइट वे। हमने एक और आर्टिकल देखा था, 15 जून को देखा है ये, कॉट अनअवेयर। इसमें हमने मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे से समझा था। ह्यूमन सेटलमेंट, लाइन्स ब्लर, फॉरेस्ट, इसके चार आउटकम्स हो सकते हैं। या तो ह्यूमंस को डैमेज हो रहा है, लाइव स्टॉक को डैमेज हो रहा है, इकोनॉमिक लॉसेज हो रहे हैं, या वाइल्ड एनिमल का जान चला जाता है। ये चार आउटकम है और ये चारों ही आउटकम बहुत पेनफुल है। कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा, ये सारे रीजन्स हैं, दैट इज़ वाई ह्यूमन और एनिमल में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। प्रिवेंटिव मेजर्स भी हमने देखे थे, यूज़ ऑफ ICT। सम ऑफ यू हैव रिटन वेरी वेरी गुड आंसर कि ICT से हम कैसे इन ह्यूमन एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट को स्टॉप कर सकते हैं और कैसे हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस इज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न। ये एक और चीज़ है, दीज आर कॉल्ड अनग्यूलेट्स। ये अनग्यूलेट्स क्या होते हैं, जिनका ऐसा हूफ होता है, जैसे ये पाँव में ऐसा होता है, अनग्यूलेट्स हैं ये। तो ये जैसे अनग्यूलेट्स हैं ये हिमालयाज में मिलते हैं, जैसे कियांग है, चिरू है, साइगा है, टाकिन है। इनका भी लाइफ एंड दिस थ्रेटन है। वाई? बिकॉज डॉग्स यहाँ पे आ जाते हैं, दे प्रे ऑन दिस ब्लू शेप एंड दिस एंड ऑल। तो इनका भी लाइफ ऐसे यहाँ पे, दे आर हैविंग दिस स्ट्रेस। ह्यूमंस आर द कल्प्रिट। ये ह्यूमंस माइग्रेशन भी करते हैं, तो अगेन इनका लाइफ थ्रेटन होता है। ह्यूमंस जो होते हैं ये कश्मीर गोट्स को पालते हैं लाइव स्टॉक में, और ये फिर इनका कॉम्पिटिटर बन जाती है। डॉग्स इनको खाने के लिए दौड़ते हैं, तो अगेन दे आर एट ट्रबल। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रैपिड डिस्ट्रक्शन है हैबिटेट का, इन सब चीज़ों से ये यहाँ पे ट्रबल हो रही है। इमीजिएट कंजर्वेशन स्टेप्स रिक्वायर्ड है इन दिस अनग्यूलेट का। ओके, नो दिस थिंग, कियांग, चिरू, साइगा, टाकिन। यहाँ एक और बहुत अच्छा वर्ड यूज हुआ है, दैट इज अबाउट दिस बीटा डाइवर्सिटी, बीटा बायोडाइवर्सिटी। टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस बीटा बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू बीटा बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब ये FAQ सेक्शन है, ये है गूगल क्रोम स्पाइंग स्पॉट। गूगल क्रोम पे ये बात है कि ये जो HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट दिस ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, वेब में ये यूज़ होता है। तो ये जो कुकीज़ क्या होती है, ये एक डेटा होता है जो आप वेबसाइट से आपने एक्सचेंज किया है। फॉर एग्जांपल अमेजोन में आप गए, वहाँ पे आपने एक बाइक सर्च किया, तो उसकी एक कुकी एक स्टोर हो गई है आपके वेब ब्राउज़र में। अब आप दूसरे कहीं सोशल मीडिया में जा रहे हो, फेसबुक एंड ऑल, एवरीवेयर यू स्टार्ट गेटिंग दैट एडवर्टाइजमेंट ऑफ डिफरेंट माइक। यहाँ अलग अलग माइक के एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। वाई? बिकॉज दे आर ट्रैकिंग, एडवर्टाइजमेंट टारगेटिंग हो रही है यहाँ पे। दे स्टोर ऑन द यूजर्स कंप्यूटर, ये जो कुकीज़ एंड ऑल होती है। अब दूसरी चीज़ होती है एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस मतलब ये वेब आपका ब्राउज़र है, इसमें एडिशनल कुछ फंक्शंस आपको चाहिए तो आप उसमें एक्सटेंशंस लगा देते हो। जैसे आपने सम एक्सटेंशंस हैं, जैसे आप एड ब्लॉक के लिए एक्सटेंशन सम पीपल यूज़ एंड ऑल, तो ये एक्सटेंशंस भी कई बार आपके लिए वल्नरेबल हो सकती हैं, ऐसा यहाँ पे मेंशन है। और गूगल में ऐसा हुआ है कि जो एक्सटेंशंस हैं, सम एक्सटेंशंस वर स्टीलिंग यूज़र डेटा। सेम थिंग हैपन विद दीज एप्लीकेशंस एट वेल। एप्लीकेशंस आपने जो अपने मोबाइल में इंस्टॉल किए हैं, हैव अ लुक, उनको आपने क्या क्या परमिशन दिया है। आपका मैसेज वो पढ़ सकते हैं, SMS देख सकते हैं, आपके सारे फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, आपका सारा कॉन्टैक्ट लिस्ट देख सकते हैं, आपकी जियो जोग्राफिकल लोकेशन, GPS एंड ऑल वो देख रहे हैं, वाईफाई देख रहे हैं। वॉट ऑल परमिशंस हैव यू गिवन टू देम, हैव अ लुक, ये जानना ज़रूरी है और इसको कंट्रोल भी करना चाहिए, अदरवाइज ये पूरा स्पाइंग एंड सर्वेलांस हो जाता है। ये है गलवान वैली। इस गलवान वैली का हम ये ज्योग्राफी के एंड ऑल समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अभी फेस ऑफ हुआ है इंडिया और चाइना के सोल्जर्स का। दिस इज़ गलवान वैली, ये पैंगोंग लेक, लेह लद्दाख, कारगिल, LSE यहाँ का एरिया है। ये कॉन्टेस्टेड वैली है, ये गलवान रिवर है, दिस इज़ गलवान रिवर, ये साइट ऑफ क्लैश हुआ था, और ये ऊपर से ऐसे यहाँ पे श्योक रिवर आ रही है।
एनसीईआरटी में एक चैप्टर है ड्रेनेज, उस ड्रेनेज में इंडिया की जितने भी रिवर सिस्टम है, हिमालयन, पेनिनसुलर एंड दिस शॉर्ट रिवर्स, अरेबियन एंड दिस बे ऑफ बंगाल, बहुत अच्छे से सब कवर किया है, उनकी ट्रिब्यूटरीज एंड ऑल। वहाँ पे हमने इंडस जब पढ़ रहे थे तो इन सब रिवर्स को भी देखा था। हैव अ लुक, वो बहुत यूज़फुल चैप्टर है। तो ये साइट ऑफ क्लैश हुआ यहाँ पे, और ये कंटेस्टेड वैली है। फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ 1962 में कि गलवान वैली हैज़ इमर्ज एज अ साइट ऑफ डिस्प्यूट। अब ये LAC एक्चुअली है क्या? LOC तो फिर भी मार्केटेड है, LAC बहुत डी मार्केटेड है। दैट इज़ वाई इसको हम बोलते हैं फैंटम। ये 24th ऑफ मे एंड देन जून, 1st ऑफ जून, वी टॉक्ड अबाउट दिस इन ग्रेट डिटेल कि ये फैंटम क्यों है LAC। सी, हम ना टॉपिक ग्रेजुअली पिक करते हैं, जैसे जैसे वो न्यूज़ में आ रहा है, वी आर ट्राइंग एंड एडिंग लेयर एंड लेयर एंड लेयर एंड लेयर। जिससे क्या होता है, सिस्टमेटिक लर्निंग होती है। ये अब इस डेट्स पे हमने बहुत डिटेल में देखा कि ये मैकमोहन लाइन है। परसेप्शन ऑफ LAC जो है ये डिफरेंट है इंडिया के लिए और चाइना के लिए। ये अक्साई चिन वाला एरिया ये क्लेम करता है, फिर ये बॉर्डर के अग्रीमेंट्स हैं, प्रोटोकॉल है 2005 एंड 2013 के। देन हमने ये स्टार्टिंग में देखा था 24th मे को कि इंडिया चाइना बॉर्डर इशू लद्दाख एंड अरुणाचल, ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस एंड बाय फेस ऑफ एंड ऑल। अब प्रॉब्लम ये है, LAC जो है वो ऑन ग्राउंड डीमार्केटेड नहीं है। यूजुअली ये जो गलवान एरिया है ये हमेशा से कंटेस्टेड नहीं था, इंडिया का यहाँ पे पूरा क्लेम रहा है, बट अब चाइना यहाँ पे नए एरिया में अपना क्लेम डाल रहा है। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, और इसको हमें अपनी सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। अस पर इन द ग्रैंड राइवलरी द माउंटेन्स ऑफ द गलवान रीजन आर ऑफ हाई स्ट्रेटेजिक वैल्यू फॉर बोथ नेशंस। ये जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन बहुत ज़्यादा है स्ट्रेटेजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज़ वाई हम इसको लूज़ नहीं करेंगे। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है सेम, डीमार्केटेड नहीं है। ये डिफरेंसेस आ जाते हैं परसेप्शन में कि एक्चुअली में क्या है, तो अक्सर जो बॉर्डर पेट्रोल होती है इनका फेस ऑफ हो जाता है यहाँ पे, सो दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब ये है राज्यसभा पोल्स, राज्यसभा के अभी पोल्स हुए थे, दिस ऑल्सो वी कवर्ड 19th ऑफ जून एंड ऑल, हमने देखा था ये राज्यसभा के पोल्स। राज्यसभा जो होती है इंडिया में क्या है, बाइकैमरल है, एक है लोकसभा एक है राज्यसभा। ये जो राज्यसभा है ये एक परमानेंट बॉडी होती है। अभी यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, 73 सीट्स का वैकेंसी था, COVID-19 के कारण ये डेट पोस्टपोन हो गया, अभी इनके कुछ स्टेजेस में इलेक्शंस यहाँ पे कराने का अभी हो रहा है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज इलेक्शन, ये होते कैसे हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, यस। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, यस। ओके, सो पिक्यूलियर क्या है राज्यसभा में, ऐसा क्या स्पेशल है? जैसे इंडिया में जो लोकसभा होती है, विधानसभा होती है, इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। हर एक जगह कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी, लोकसभा चुनाव होते हैं, राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं, हम वोट दे के अपना सांसद या विधायक चुन के भेजते हैं। बट राज्यसभा के जो सांसद होते हैं ये थोड़े अलग होते हैं, ये इलेक्ट होते हैं बाय मेंबर ऑफ विधानसभा। जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, उस विधानसभा के जो विधायक हैं वो फिर चुन के वहाँ से भेजेंगे राज्यसभा में अपने मेंबर्स। तो इस तरीके से राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा वोट करते हैं। राज्यसभा अपर हाउस होता है, हर 2 साल में यहाँ पे 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, ओवरऑल इनका टेन्योर 6 ईयर्स के लिए होता है। तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, जैसे अभी 16th लोकसभा है, और इसमें राज्यसभा में ऐसा नहीं है नंबर, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होगी। 1/3 जो मेंबर हैं वो हर 2 साल में यहाँ पे रिटायर होते जाते हैं। अब जो वोटिंग है वो वोटिंग होती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब एक विधायक का एक वोट होगा, और वो वोट होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब चॉइसेस, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में हमने देखा था, ऑल दो वहाँ पर ये मिसनोमर है बट वहाँ पर भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टर्म यूज है। अब अगर कोई सीट खाली हो गई बिकॉज ऑफ राज्यसभा की सीट खाली हो गई, या फिर वहाँ पे एनी रीजन सीट खाली हुई है, तो वैकेंसी जनरेट होती है, तो उसको हम बोलते हैं बायपोल। अब इसको समझते हैं चुनाव कैसे होते हैं। जैसे आपके पास 180 MLA को वोट देना है, और नंबर ऑफ सीट जो वैकेंसी है वो अभी 4 सीट की है, तो जो क्वालिफाइंग नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, एक ज़्यादा, तो 180 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, मतलब जैसे कि 36। तो जिन जिन विधायकों को, जिन जिन कंटेस्टेंट्स को राज्यसभा की सीट चाहिए, 36 से ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, वो
फर्स्ट प्रेफरेंस में जिन जिन को मिलता जा रहा है, एक बार हो गया वो तुरंत क्वालिफाई होते जाएंगे आपके राज्यसभा की सीट के लिए, फर्स्ट प्रेफरेंस क्वालिफाई होते जाएंगे। बट अगर किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं दिया, बिकॉज प्रेफरेंसेस देने हैं, जैसे राष्ट्रपति में हमने प्रेफरेंसेस दिए थे, तो फर्स्ट प्रेफरेंसेस जिसको नहीं मिले, अगर ये बैरियर थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुआ, तो फिर सेकेंड प्रेफरेंसेस काउंट होते हैं और इस तरीके से आगे चेंज हो जाता है। इसको आई विल प्रिपेयर इट सेपरेटली, इसको ज़्यादा मतलब 15-20 मिनट लेके आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ सेपरेट वीडियो एज वेल। अब यहाँ जो हुआ क्विकली अगर हम देखें, तो सेकेंड प्रेफरेंस वाले वोट्स काउंट होते हैं और इस तरीके से देखा जाता है जब तक ये थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुआ, और इस तरीके से हम सीट्स फिल कर देते हैं यहाँ पे। अब तीसरी बात और समझने की है, वो है यहाँ पे ओपन बैलेट होता है, सीक्रेट बैलेट नहीं, बट ये लिमिटेड फॉर्म ऑफ ओपन बैलेट है, मतलब क्रॉस वोटिंग को चेक करने के लिए है। जो भी पार्टी का विधायक वोट डाल रहा है वो अपने बैलेट पेपर को मार्क करेगा और पार्टी एजेंट को दिखाएगा, अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे नोटा भी एप्लीकेबल नहीं होता है। क्रॉस वोटिंग क्या होती है कि इस पार्टी के विधायक ने किसी दूसरे को पार्टी दे दिया, अगर ऐसा किया तो वो एंटी डिफेक्शन के अंदर नहीं आएगा। कल हमने इसके बारे में देखा था एंटी डिफेक्शन, तो क्रॉस वोटिंग इसमें एंटी डिफेक्शन के अंदर नहीं है, बट पार्टी को पता चल गया आपने क्रॉस वोटिंग किया है तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं सेपरेटली। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, उनको ऐसा किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए नॉट एप्लीकेबल है, ऐसे किसी एजेंट को दे डोंट नीड टू शो इट। विदाउट ओथ भी एक बात आती है कि आपने शपथ लिया है, क्योंकि कई बार आप ऐसा होता है 6 महीने के लिए इस विधानसभा के मेंबर बन सकते हैं, बट आपने उस टाइम पे से फॉर सम टाइम आपने यहाँ पे शपथ नहीं लिया है, आपका शपथ पेंडिंग है बट आप मेंबर बन गए हो, तो विदाउट ओथ कंडीशन है उस टाइम पे भी दे कैन वोट। तो दीज आर सम, क्विकली हमने ये देखा राज्यसभा के वोट्स में क्या स्पेशलिटी है, इसको हम एक बार और सेपरेटली डिटेल में समझेंगे। देन दिस इज प्रोफाइल, ये स्पर इन द ग्रैंड राइवलरी, सॉलिडेरिटी विद रिकवरी, ये रिंग ऑफ फायर है जो अभी हमने देखा था, ऐसे रिंग ऑफ फायर बन गया है बिकॉज मून बीच में आके सनलाइट को ब्लॉक कर रहा है। ये मॉडर्न इंडिया के आज हिस्ट्री के क्विज देखते हैं, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट एनी बेसेंट, इनका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, ट्राई टू आंसर दिस, एनी बेसेंट ने कौन सा न्यूज़पेपर इनमें से स्टार्ट किया था, स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट। दूसरा है ये 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसमें हमें बताना है इनकरेक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट कौन सा है, इनकरेक्ट। 1919 के एक्ट में ब्रिटिश इंडिया मस्ट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इंडिया मस्ट ऐसा कहा था, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वुड बी रियलाइज ओनली बाय प्रोग्रेसिव स्टेजेस, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो हैं उनको क्लासिफाई किया रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, डायर की आई थी क्या, सैलरी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया वॉज ड्रॉन आउट ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ऐसा हुआ था क्या, ट्राई टू आंसर दिस इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑर्गेनाइज द स्वराज पार्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वराज पार्टी हुई थी, NCM विड्रॉ हुआ था, देन फिर स्वराज पार्टी एंड ऑल आई, लाला लाजपत राय, फिरोज शाह मेहता, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, CR दास, मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचार्य या CY चिंतामणि, स्वराज पार्टी। देन इसमें से फिर अगेन नॉट करेक्टली मैच्ड है, भगत सिंह, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, रामप्रसाद बिस्मिल, ये सब जो दौर था एक्सट्रीमिस्ट का दौर था, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, चंद्रशेखर आज़ाद, न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, या फिर सूर्य सेन, ये चित्तगोंग आर्मरी रेड पे इनका क्या ऐसा है, इसमें हमें बताना है नॉट करेक्ट क्या है 1, 2, 3 एंड 4 में। देन हु लेड द बारदोली सत्याग्रह इन 1928, देसाई साहब, गांधी जी, महादेव देसाई और वल्लभ भाई पटेल, सत्याग्रह बारदोली 1928 किसने यहाँ पे लीड किया था। तो ये 5 क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के क्विज के, एनी बेसेंट, 1919 में क्या नहीं करेक्ट है, स्वराज पार्टी एंड देन दिस नॉट करेक्टली मैच्ड, और ये है बारदोली सत्याग्रह 1928। सो दिस इज़ टुडेज़ न्यूज़पेपर, आज हमने पढ़ा राज्यसभा पोल्स कैसे होते हैं, यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, बट प्रेसिडेंट केस में वो मिसनोमर था, यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। ये गलवान वैली के बारे में हमने जाना, इसका ज्योग्राफी, एंड LSE इज अ फैंटम, ये सारे हैं अनग्यूलेट्स, ये कियांग चिरू, साइगा एंड टाकिन, एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इन अर्बन क्लस्टर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वी रेड अबाउट डायनासोर वाटर दिस वर्ड्स, कंज्यूमर डिमांड नीड्स अ फाइनेंसिंग फिक्स, ये कैबोटेज लॉ क्या होता है यू शुड नो, 50 वर्ड्स में ट्राई टू राइट। देन अप्रैल यहाँ पे स्लाइड हो रहा है, चाइना सिक्योरिटी एजेंसी हांगकॉन्ग में बना रही है, ब्राज़ील एंड USA का न्यूज़ देखा, इमिग्रेशन का एक नया ये अभी लॉ लाने वाले हैं, IIT पलक्कड़ का ये फाइंडिंग्स हैं, देन दिस इज़ गरीब कल्याण रोजगार अभियान,
प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन. सन एक्चुअल मूव नहीं हो रहा है बट अर्थ का बिकॉज ऐसे टिल्ट है, रोटेशन एंड ऑल है, तो उससे ऐसा लगता है सन ऊपर नीचे मूव हो रहा है. और ये कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉन में ऐसे शिफ्ट होता है ये. तो ट्राई टू राइट द ज्योग्राफी बिहाइंड इट. देन ये इंटरनेशनल योगा डे है, योगा इज़ गुड. ये सोलर एक्लिप्स हमने समझा, इसका भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, सोलर भी और लूनर भी. ज्योग्राफिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी हाईलाइट करना है 100 वर्ड्स में. देन ये COVID-19 अपडेट्स था. सो दिस इज 21st of June 2020. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.